स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। आज हम लोग देख लेंगे कोई भी नंबर का क्यूब रूट आपको कैसे निकालना है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। 2 सेकेंड लगेंगे दोस्तों, आप देख लीजिए, 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते। तो देखिए, पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले तो ये 1 से 10 तक क्यूब याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये याद हो जाते हैं, आप थोड़ा सा भी करें तो 1 का तो ये, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, तो आप थोड़ा सा जो है क्यूब याद रखिए दोस्तों। ठीक है, 10 तक याद रख लीजिए, बाकी और आपको कोई भी नंबर, कोई कहता है 20 तक याद रखो, कोई कहता है 30 तक याद रखो, कुछ मत याद रखो, खाली 10 तक याद रखो। ठीक है, अगर आप 10 तक याद रख लिए आपका कोई भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए देख लेते कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, देखिए आपको अगर बोला है 2197 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कितना होगा 13, कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए पहले ये यूनिट डिजिट देख लीजिए क्या है, 7 है, आप ढूंढिए 7 कहाँ पे है। तो ये ढूंढ, आप अगर ये याद रहेगा तो आपको पता होगा 7 मतलब 27 में 27 आ रहा है। ठीक है, तो उसका क्यूब कौन सा नंबर का क्यूब है, 3 बैठा दीजिए, समझ में आया। पहले आपको ये यूनिट डिजिट है 7 है, वो इस में देखना पड़ेगा कहाँ पर आता है। तो हम लोग देखें 27 में 7 एक ही जगह आता है, देखिए बाकी अब कहीं पर नहीं आता है, तो 27 में आता है 7, तो वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब है तो 3 बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, आप ये करने के बाद ये 3 डिजिट राइट हैंड साइड से हटा दीजिए। ठीक है, ये हट गया 197 हट गया, कौन सा रहा 2। ठीक है, अब देखिए 2 कौन से रेंज में आता है, कौन कहाँ पे आता है रेंज में, तो देखेंगे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 1 से 8 के बीच में आता है 2। ठीक है, तो 1 से 8 के बीच में किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है एंड 2 का क्यूब है, जो स्मॉलेस्ट होगा उसी को हम लोग लेंगे, 1 मतलब 13 हो गया आंसर। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, फिर देखिए 4913 3 है, 3 कहाँ पे देखिए 7 बैठा दीजिए, फिर 3 संख्या हटा दीजिए, 913 को हटा दीजिए, क्या रहा 4 किसके बीच में आता है 1 एंड 3, तो 1 आंसर हो गया। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो उसी हिसाब से देखिए 176, उसके बाद देखिए 17576, तो देखिए ये यूनिट 6 किसका है, तो 6 का स्क्वायर क्यूब का है, तो 6 यहाँ बैठा दिए। आप देखिए 3 संख्या हटा देंगे, 576 हटाए 17, तो 17 किसके में आएगा, 2 क्यूब मतलब 8 एंड 3 क्यूब मतलब 27, इसके बीच में आएगा, तो छोटा वाला लेंगे हम लोग, 8 आता ये इसके बीच में, छोटा वाला लेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा, 26 आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए 7 किसका आता है, 3 का, क्योंकि 27 है तो 3 का 3 बैठा दीजिए, 3 काट दीजिए 79, तो 79 किसके बीच में आएगा, देखिए 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इसका भी निकाल दीजिए 68। ठीक है, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, 8 होगा देख के ही, 3 हटा दीजिए 314, तो 314 6 क्यूब एंड 7 क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो देख लीजिए 6 क्यूब कितना है, 216 है और 343 है, उसके बीच में आता है, तो 6 छोटा वाला ले लेंगे, 68 हो गया। कितना लगा, 2-3 सेकेंड मैक्सिमम। तो ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है कोई भी नंबर, क्योंकि क्यूब हम लोग को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सम्स में, एटलीस्ट कहीं पे हम लोग को इसमें रीजनिंग में हेल्प होता है, मैथ्स में कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता ये किससे जाएगा, ये क्या है, डिविजिबल होगा कि नहीं, उसमें हम लोग सोच में बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन ये अगर आपको दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी नंबर का देख सकते हैं ये आपका क्यूब से, वेदर इट इज़ अ क्यूब और नॉट। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके लिखिएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसा लगा, और चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए गुड बाय।